थंबनेल की बात तो छोड़ो दोस्तों, आपने ये जरूर सोचा होगा कि अगर जो बड़े लोग होते हैं उनको अगर हम सम्मान देते हैं, उनको आप बुलाते हैं, कभी जो बराबर के होते हैं या फिर छोटे भी होते हैं उनको भी आप बुलाते हैं, या फिर ज्यादा ज्यादा तुम चल जाता है छोटे को भी, लेकिन ज्यादा तू या तेरे ऐसे कुछ ज्यादा नहीं चलता। लेकिन जो भगवान होते हैं, ज्यादातर आपने एक गाना सुना होगा, फॉर एग्जाम्पल आप सुन लीजिए गाना। ठीक है, तो आपने ये गाना सुना, आपको इसमें क्या नजर आया? आपने सुना कि ये तेरा जो ते तू ये सब ज्यादा आता है गानों में, तो आपने कभी सुना नहीं है कि ये भगवानों को ऐसा क्यों कहा जाता है? क्या जरूरत पड़ जाती है ऐसी कि इनको तू या तू से इनको सम्मान क्यों नहीं जाता? क्या आपने कभी सोचा है कि ये इसमें आप क्यों नहीं लगाया जाता? भैया हमको तो नहीं पता, आप बताओ। तो समझो इसको, ठीक है? तो मैं आपको बताऊंगा कि ये ऐसा क्यों होता है कि भगवान को ऐसा तू या तेरा करके हम लोग बुलाते हैं, आप या आपको ऐसा क्यों नहीं कहा जाता। तो दोस्तों इसका ऐसा रीजन ऐसा ये है, जब मुझे भी नहीं पता था तो मैं बार बार ये पूछा करता था घर में अपने लोगों से, बाबा से पूछता था कि ऐसा क्यों होता है। लेकिन जब पता चला तो आपको भी मैं बता देता हूँ कि ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो भगवान होते हैं वो हमारे आत्मा में होते हैं। ठीक है, बहुत लोग ऐसा कहते हैं ना कि मैं खुद भगवान हूँ, भगवान हम में होते हैं, ठीक है, वो अंदर समाए होते हैं। तो ठीक है, तो जो अंदर समाए होते हैं तो हम उनको तू या तेरा भी कह सकते हैं। ठीक है, हमको आदर दे सकते हैं, आप या आपसे ऐसा कह सकते हैं, लेकिन ऐसा भी कहने से कोई आपकी बुराई नहीं है क्योंकि वो आपके एक मित्र समझ लीजिए, भगवान है, क्योंकि वो आपके साथ रहते हैं, आपकी आत्मा में वास करते हैं। इसीलिए आपके जितने भी आपने गाना सुने होंगे, नहीं गाना नहीं सुने होंगे तब भी बहुत लोग ऐसे होते हैं जो तू या तेरे कह के भगवान को बुलाते हैं, पुकारते हैं, गाना गाते हैं, इसीलिए तू तेरा लगाया जाता है। बहुत ही छोटा सा, बहुत ही छोटी सी वीडियो थी लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। बहुत लोग ऐसे पूछते हैं, इसके लिए बैठे रहते हैं कि ऐसा क्यों होता है लेकिन समझ नहीं पाते हैं। इसीलिए आई होप ये आपको पसंद आई होगी वीडियो, वीडियो को लाइक कर दीजिए, छोटी सी वीडियो है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है।